अभी इस वक्त मैं आया हूँ माँ गंगा के तट पर, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। मैं तो आज यहाँ पे पहली बार आया हूँ सर के साथ, और सर बताएंगे कि यहाँ का थोड़ा सा इतिहास किसके बारे में, इस जगह के बारे में। और अभी सुबह के 6 बजे है, और थोड़ा हम घूमते हैं, उसके बाद योगा करेंगे, और फिर आपको भी इस जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये माँ गंगा है, माँ गंगा को मेरा सत सत नमन है। माँ गंगा जिसका उद्गम गंगोत्री से होता है, और ये देवप्रयाग में आके गंगा बोली जाती है, क्योंकि उससे पहले एक साइड से अलकनंदा आती है जो बद्रीनाथ से आती है, और एक साइड से भागीरथी आती है जो गंगोत्री और यहाँ उत्तरकाशी से होते हुए आती है। इस गंगा का पानी हमेशा अविरल बहता रहता है। कलयुग में अगर माँ का साक्षात रूप है तो अपनी माँ के अलावा ये गंगा माँ है, गौ माता। अभी मैं हूँ पीपल के वृक्ष के नीचे, और मेरे ठीक दाएं साइड गंगा बह रही है, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों से मैंने सोचा था कि हरिद्वार जाऊंगा, पर समय नहीं मिल पाया, और आज मैं यहाँ पे ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन करने पहुँच। ये ऋषिकेश है, यहाँ का मनमोहक दृश्य देखने के लोग विदेशों से भी आते हैं। ये देखिए गंगा की निर्मल धारा बह रही है। इस गंगा को केवल मात्र स्पर्श मात्र से ही लोगों के पाप कट जाते हैं। और ऊपर मैरिन ड्राइव है, जिसमें ऋषिकेश के लोग हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग में अपना वॉक करते हैं। आप आइए और ऋषिकेश का आनंद उठाइए, और ऋषिकेश पूरी दुनिया में सबसे सुंदर और अच्छी जगह है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, तभी इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। 3 नदी, एक है यमुना, गंगा और सरस्वती, और यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और शाम को यहाँ पे बहुत ही काल आरती होती है, बहुत दूर दूर से लोग आरती में जुड़ने आते हैं, आरती करने आते हैं। और आप सिद्धा में अब शाम को मिलता हूँ आप सभी लोगों से आरती के समय। तो दोस्तों, ये है पीछे त्रिवेणी घाट, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से लोग दर्शन में लगे हैं, माँ गंगा के दर्शन में लगे हैं। और तो हेलो, अभी हम त्रिवेणी घाट पे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और थोड़ी देर में ही आरती शुरू हो जाएगी 7 बजे के आसपास। तब तक यहाँ का हम भ्रमण करते हैं, इस जगह का भ्रमण करते हैं। चारों तरफ आपको आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे होंगे, और इधर हो रहा है स्नान। ये माँ गंगा के चरणों में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, माँ गंगा को दूषित किया जा रहा है।
देखिए माँ पार्वती और शिव जी भगवान ऊपर देख सकते हैं, जटाओं में गंगा माँ है ये। और इसी ये हमारे शिवम जी है, ये मनीष जी है, हमारे रूम पार्टनर है यहाँ पे, और इन्हीं के साथ रहेंगे पूरे दिन। अभी थोड़ी देर में ये आरती होने वाली है और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से आरती होती है। पुष्पा